चलो तुम बहुत खूबसूरत लगती है नकाब में, तो नकाब पहना करो यार। आज मेरी मम्मी की तरह तुम्हारे पापा लिप के बाद बात करने। तो पहचान में नहीं आ रही हो, तुम इस भाई हो ना? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू मिस बैन ममाज ब्लॉग्स। तो गाइस, आज शबे बारात है, आज सभी आप सभी को शबे बारात मुबारक हो और मिसबा की भी तरफ से मुबारक हो। और गाइस, आज जो शबे बारात है ये रात में माफी मांगी जाती है सबसे, तो ये माफी की रात है। प्लीज आप लोग अल्लाह से माफी मांगिए, अपने लिए भी और हमारे लिए भी, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें भी माफ कर दीजिए, और आपके कमेंट्स को हमने माफ किया। ओके, तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं मिसबा की मम्मी को मिलने के लिए, मेरी सासू माँ को मिलने के लिए, फिर वहां हम लोग मिलेंगे, फिर जाके फिर वहां से हम लोग मेरे घर पे जाएंगे मेरी मम्मी को मिलने के लिए, मेरी सासू माँ से मिलने, इनकी सासू माँ को मिलने के लिए। तो गाइज उनको मिलना बहुत ही जरूरी है, उनसे माफी मांगना बहुत ही जरूरी है। तो गाइज क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, हमसे जो भी गलती होती है उनसे माफी मांगना ही चाहिए। तो गाइज हम अपने बड़े से, हमारे छोटे से आज की रात में जितना हो सके उतनी माफी मांग लीजिए, क्योंकि आज माफी की रात है, अल्लाह भी माफ करते हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। इस बार शबे बारात है माशाल्लाह, और शबे बारात मुबारक हो आपको भी, और आप शबे बारात के मेरी शादी के बाद दूसरी शबे बारात के दिन आप क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ बटर चिकन बना रहे हो, माशाल्लाह। तो ये बटर चिकन बना जा रहा है शबे बारात के दिन, और आप बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, अल्लाह आपको ऐसी सलामत रखे और आपको नजर ना लगे। माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लगती है नकाब में, तो नकाब पहना करो यार। बहुत अच्छी दिखती हो, बहुत अच्छी दिखती हो, बताओ क्या मुझ पे भरोसा नहीं किया तुमको? उतरते ही जा रहा है, तुम पहनती नहीं हो ना, आदत नहीं है, तो तुम पहना करो, तुमको आदत हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस कमेंट करके बताइए मिसबा नकाब में कैसी लग रही है, और आप सबको भी शबे बारात मुबारक हो। यस, तो गाइस मैं ये लेकर आई थी मखना, क्या करने के लिए पता है? नमाज पढ़ने के लिए। तो इसको रोज पहना करो ना, नमाज पढ़ती है तो। शबे बारात के दिन मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ी जाती है नफील की, सॉरी। तू मैंने एकदम वो लग रही हो, टेडी बियर। ए कसम से, माशाल्लाह। जाओ मम्मा जल्दी से रेडी हो जाओ, सबको मिलकर आते हैं। चलो मैं रेडी हो जाता हूँ। यस, और मैं मिल गया तो मैं। तो गाइज मम्मा बस निकल गए है घर पे, और माशाल्लाह क्या कुर्ता पहना है यार आपने, क्या है वो? अरे यार इतनी इत्र लगाते हैं कि क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। गाइस मम्मा ने इम्तियाज़ भाई को भी विश कर दिया है, और ऐसा लग रहा है ईद है मम्मा। नहीं बेशक आज ईद से ऐसी कोई चीज़ नहीं ईद के बराबर है, क्योंकि हम जो भी गलती करते हैं और अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं कि माफ़ी मांग लो, यही गलती अल्लाह ताला ने हमें भेजा क्यों, नेकी कमाने के लिए, और हम गलती कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने ये दिन दिया है कि माफ़ी मांगो जिनसे भी तुमने गलती किया हो, जिसका भी दिल दिखाया हो, तो हम माफ़ी जिससे चाहे उससे भी मांग सकते हैं, वो माफ़ करना उसका फ़र्ज है। ओके, और बाकी सब अल्लाह के हाथ में। तो आज का दिन माफ़ी मांगने के लिए ही बना है, तो माफ़ी मांगे और पूरी रात इबादत करें, इंशाल्लाह हम लोग भी अपने माँ बाप से मिल के आके रात में इबादत करेंगे। तो गाइस मम्मा कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं तुम बताओ, क्या कह रहे थे? ये मेरी गाड़ी है और मम्मा बोल रहे कल चली जाएगी, 2 महीने से मैं वही सुनती हूँ। इंशाल्लाह मैं कल जल्दी उठ, मैं हर जगह पैदल जा रही हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया, वो दिन तो कभी नहीं आ रहा है, ऑफिस से जल्दी आ गया तो वो दिन कभी नहीं आ रहा है, ना तुम कभी जल्दी उठ रहे हो और ना तुम कभी ऑफिस से जल्दी आ रहे हो। मैं इंशाल्लाह जल्दी आ गया ना तो कल। अबे चुप, सबे बारात है, मैं माफी मांग लूंगी। क्या हस्ती है, लोग घर पे मिलते बाहर मिल रही। चलो मैं सबे बारात, पापा जी से मिल लिए हम लोग, और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। चलो मिसबा अभी घर पे जाने का बहुत लेट हो रहा है, चलो मैं अल्लाह हाफिज़।
गिफ्ट का बटन दबाओ। आज कोई बात नहीं होगी ना? आज बात नहीं है, आज बड़ी रात है ना। आज हम दूसरे की ब्रांड नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ माफी मांगेंगे। तो क्योंकि हम जाने के बाद मम्मी लोग के साथ इतना बिजी हो गए हलवा खाने में और इसमें उसमें बातों में, तो हम लोग ने आज कुछ कर नहीं पाए। तो हम लोग सिर्फ मिले हैं, छोटी सी क्लिप आपको दिखी होगी। मम्मी बाहर छोड़ने आए थे तो मम्मी से भी मिले वापस से और माफी भी मांगी है। तो गाइस हम लोग ने माफी मांग लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह वापस से माफी मांगने के लिए और उनसे मिलने। सॉरी, ये तेरी हरकत, ये तेरी हरकत, इससे समझ में आता है कि तू कितना खाती है। देखो इसके दोस्त लोग भी आ गए। देखो हेलो, अरे चलो नीचे आ रहे हैं। चलो तो तुमको क्या नीचे ले जाना है। इस व्लॉग में आ गए हैं, देखो ये है शहजान, ये है शहजान, डॉक्टर शहजान, डॉक्टर शहजान। और ये भाई लोग फुल जहाज। शबे बारात मुबारक हो भाई। चलिए फिर किधर चलिए? कहाँ बोल रहे? चलिए दरगाह जा रहे हैं हम तो। दरगाह जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो महमूद बिल्डिंग में चोर की तरह घुस रहे हैं। महमूद बोली मैंने आज पूरा। महमूद कहाँ चले भाई इतना तेज? तो गाइस आओ, ऐसा लगता है कि भूतों की बिल्डिंग है ये। ये बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा है। ये मिसबा का हमेशा का सेम कैरेक्टर। ओ तो पहचान में नहीं आ रही हो, तुम मिसबा ही हो ना? नहीं, पहचान में नहीं आ रही हो। और मैं और मिसबा ने सेम सेम पहना है। मेरा ओरिजिनल सिल्क है, इसका डुप्लीकेट सिल्क है। इसने मुझे मैंने बोली डुप्लीकेट है सिल्क, अभी हम दोनों ना सिल्क पहने। अरे आप माफ करो तो अल्लाह माफ करेंगे। हाँ ऐसा जबरदस्ती माफी मांगने की बात आ रही है। मिसबा जा रही मिलने के लिए। जो भी गलती है माफ करो, बहुत पतले दिख रहे मेरे लिए। क्या हो गया आपका? शबे बारात मुबारक हो। अरे डर लगे। सबसे सबे बारात मिल रहे हैं। सोनम भाग गई। सोनम, और सोनम क्या बना रही है? घर पे आओ ना, कुछ ना कुछ बनाते ही रहती है ये। देखो सबे बारात मिल जल्दी मेरे से। सबे बारात मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी सब गलती माफ करे। अल्लाह आपकी भी गलती। सबे बारात मुबारक हो भाईजान सबको। सब मांग ली हम लोगों ने माफी एक दूसरे से। और तुमने किस किस से मांगी? तुम जल्दी जल्दी अम्मी चने का हलवा बनाया वो खाओ। क्या कर रहे हो? बस यही करो, हर जगह खाओ। चिकन कोफ्ता, वाह अच्छा बनाया। दो उतना ही दो बस। लो ना खाओ, जिधर मैं खाऊंगा उधर ही हाथ मारू। खाओ, कैसा बने? हल बने? मेरे पे यकीन नहीं था वो भी। क्या हो, चटका लगा? ऐसी जो होता है दूसरे का छीन के खाएंगे तो। हम ये हलवा खाएंगे नहीं, लेकर जाएंगे। हो रही है क्या? माफ किया हम लोगों ने, देखो रात के दिन नमाज पढ़ी। हाँ माफ कीजा। पैर दबा, मम्मी के पैर में दबा दिए। ले मेरे पैर तू दबा। देखो भाई जी कैसी माफी मांगना है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है। पैर दबा दबा कर माफी मांगोगे क्या? हाँ पैर दबा दबा के माफी मांगेंगे। देखो मेरे से छोटी है ना। अरे तो उसको बोलूंगा मेरे पैर दबा और मैं तुझे माफ किया। ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट मजाक कर रहे हैं।
नहीं तो तुम भाई बहन में तो चलता रहता है ऐसे। पैदल जाना चाहिए। आज मेरी मम्मी की तरह तुम्हारे पापा लिफ्ट के बाद बात करने। चलो अल्लाह हाफिज। मजा आया। हर बार मुझे छेड़ते हो ना कि तेरी मम्मी लिफ्ट के बाद पंचायत। तो पापा अच्छी चीज बता रहे थे, बोले तो मेरी मम्मी भी अच्छी। पापा बोल रहे थे कि कोई हज करने जा रहा है तो वो हज हाउस में आएंगे तो जाके उनसे मिल लेना। वो मैं समझती हूँ, लेकिन इतना टाइम अंदर बैठे थे छोड़ कर बाहर बोले ना ऐसे। मेरी मम्मी को भी बाद में याद आता है बेचारी। मेरी मम्मी को तुम मेरी मम्मी को छेड़ते हो। तो मैं वो सुनने बैठ गया कि कौन जा रहा है हज करने के लिए। तुम शाड़े मत बनो। मेरी मम्मी भी बेचारे ऐसा कुछ ना कुछ बोलने आते। आज रेड हैंडेड कोट। मेरी मम्मी कुछ अलग ही बोलते। क्या बोलते? मेरी मम्मी बोलते है कि वो टमाटर 10 रुपए का मिल रहा है उधर पर जाके ले लेना। हाँ तो यही औरतें यही बात करती है। और वो अदरक दे रहा है उधर 10 रुपए का वो ले लेना। हाँ और तू डी मार्ट जाएगी ना तो उधर देख एक फ्री है। मम्मा आपको मुझसे भी मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि सब गलती माफ करो। शबे बरात मुबारक हो मिसबा। बरात शबे बरात मुबारक। जो भी गलती है मेरी गलतियों को माफ करो। ठीक है मैं माफ करती हूँ, अल्लाह माफ करता है। तो मम्मा नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ईशा की नमाज हो चुकी है। 15 बार कुल अल्लाह हुआ ना। देखो पहले क्या पढ़ना पता है? तैतल वजू। वो तो पढ़ लिया ना। तो हर रकात में अलहमदू के बाद एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल वल्लाहु अहद करके ऐसे 2 रकात पढ़ना है। पढ़ते हैं पहले 15 बार कुल वल्लाहु अहद। तो गाइस हम लोग नफिल नमाज पढ़नी है अभी बस चालू कर रहे हैं और मम्मा भी अभी खड़े हो चुके हैं रकात में और मैं भी जा रही हूँ बस अभी पढ़ने। आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए और हम लोग भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं बिल्कुल। और फिर हम नमाज पढ़ने के बाद खाएंगे खाना, है ना मम्मा? तो गाइस हम लोग ने नमाज पढ़ लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और मिज़बान ने बनाई है, क्या बनाई मिज़बान? बटर चिकन। गाइस हम लोग ने नमाज भी पढ़ लिया है, दुआ भी कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगा यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। और मिज़बान तू क्या करने वाली है? मैं थोड़ा सा और नमाज पढ़ के फिर सो जाऊंगी। तो और कौन सी नमाज पढ़ने वाली है? जो बची हुई है। 3 नमाज बची हुई है। ओके सास ने मेरे ये दिया। क्या है ये? कबाब। तो गाइस मिसबा की थोड़ी सी नमाज बची हुई है। कितनी रकात बची हुई है मिसबा की? 12। मिसबा की 12 रकात बची हुई है। मिसबा वो भी नमाज पढ़ के अपना सो जाएगी। बहुत भूख लगी है गाइस, चलो फटाफट हम लोग खाना खा लेते पहले, बाद में बात करते। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पूरी नमाज हो चुकी है और मैंने भी नमाज पढ़ लिया था, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया और फजर का टाइम हो चुका है तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और आई होप आप लोग ने भी नमाज़ पढ़ लिया होगा और अल्लाह से माफ़ी मांग ली होगी। हम सब ने भी नमाज़ पढ़ लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग लिया है। और मैं जा रहा हूँ अभी नमाज़ पढ़ने के लिए। मिसबा मेरे बाद नमाज़ पढ़ेगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधा अपने काम के लिए चले आऊँगा, फिर उसके बाद आके मैं सो जाऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो करते हैं एंड। और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।